आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला, इन PtCl2NH3 ट्वाइस द सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव व्हेयरएज ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सिस फॉर्म देखें तो सिस फॉर्म हमारी होती है जिसमें हमारे पास जो लिगेंड्स है, जो सेम लिगेंड्स है वो एडजेसेंट साइड पर प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम लिगेंड्स, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म होती है जहाँ पे हमारे पास सेम लिगेंड्स जो है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो। ओके, अब बात करते हैं PtCl2NH3 टू की। अगर प्लेटिनम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो एक्स मान लीजिए एक्स, प्लेटिनम को सीएल पे चार्ज माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, प्लस जीरो की एनएससी पर चार्ज नहीं होता, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे जीरो, तो एक्स आगे प्लस टू में। और यहाँ देखें तो सीएल और एनएससी दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है हमारे पास, मोनोडेंटेट लिगेंड है दोनों ही के दोनों। और अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है दोनों तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दो यहाँ से डोनेट करेगा क्लोरीन एनएससी, दो यहाँ से करेंगे दो एनएससी और दो क्लोरीन, का चार कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा फोर। और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की प्लस टू हो तो हमारे पास स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। अब सिस फॉर्म होगी जब सीएल एडजेसेंट हो सीएल के और एनएससी एडजेसेंट हो एनएससी के। तो अगर देखिए अब इसने कहा ऑप्टिकली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट हो। अब प्लेनोसिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होगी, अब प्लेनोसिमेट्री हमारे पास क्या होती है, प्लेनोसिमेट्री जब कोई प्लेन पास करे मॉलिक्यूल में से और वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं प्लेनोसिमेट्री। और प्लेनोसिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जिसमें नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो मैं कोई प्लेन यहाँ इस प्लेन में पास करता हूँ जो मॉलिक्यूलर प्लेन है इसका, तो चारों है जो प्लेटिनम NH3 और CL चारों हाफ में कट हो जाएंगे और इक्वल हाफ देंगे तो प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। फिर जब हम इसके ट्रांसफॉर्म देखें तो CL के अपोजिट CL और NH3 के अपोजिट NH3, तो जब भी मैं कोई यहाँ से प्लेन पास करूँ तो सारे मॉलिक्यूल हाफ में कट हो जाएंगे जो प्लेन में प्रेजेंट है, ये बस इसमें ही प्रेजेंट, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। फिर इन Fe C2O4 3 3 माइनस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डजंट एग्जिस्ट व्हाइल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। तो अगर हम देखें Fe C2O4 थ्राइस 3 माइनस ऑक्सलेट आया नहीं हमारे पास, C2O4 माइनस का ये स्ट्रक्चर होता है, इसकी दो डोनेटिंग साइट होती है, ये एक ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी दोनों डोनेटिंग साइड अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो दिखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कौन दिखाते हैं, जो हम डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दें अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दें। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे जो हमारे पास डोनेटिंग साइट है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो कैसे भी चेंज कर दो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, तो डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं मिलेगी। और ये अगर देखें बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होते हैं, ये एक्स वाई प्लेन में होता है, ये वाई जेड में, और ये जेड एक्स प्लेन में प्रेजेंट होगा, ये तीनों डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो कोई मैं जब प्लेन पास यहाँ से करूंगा, कोई भी प्लेन पास करेंगे तो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट थे तीनों के तीनों, तो प्लेन ऑसोमेट्री प्रेजेंट नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर इन MABCD स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। अब MABCD स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो सारे एक प्लेन में होंगे, MABC और ये D, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। देखिए एक बार सी के अपोजिट भी है, एक बार आ जाए सी के अपोजिट ए, ठीक है, दूसरा तो ये हो गया, पहला आइसोमर ये ज्योमेट्रिकल, दूसरा ये, ठीक है, और तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है, एक बार सी के सामने आ जाए डी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया तीसरा आइसोमर ज्योमेट्रिकल। अगर आप कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना चाहेंगे तो सारे इसके सिमिलर होंगे, ठीक है। और देखे तो सब में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी क्योंकि सारे प्लेन में है, तो सारे प्लेन से जब सारे एक प्लेन में है, तो जब भी कोई हम प्लेन पास करेंगे, ये देखिए
जब भी हम कोई प्लेन पास करें तो सारे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो प्लेन ऑस्मेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑस्मेट्री प्रेजेंट इसमें भी प्लेन ऑस्मेट्री प्रेजेंट, तो तीनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएंगे, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा कि ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल होता है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। फिर एन एम ए बी सी डी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी ऑब्जर्वड, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब एम ए बी सी डी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो, ये हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें हमारे पास दो एक प्लेन में और एक आगे और एक प्लेन से पीछे होता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एम ए बी ए सी और ये डी, हमने कोई प्लेन पास किया जो ए बी को कट कर रहा है और एम को एम से पास कर रहा है, ये कोई प्लेन था जो हमारे पास ए बी को कट कर रहा और एम को, ठीक है, तो एक को लास्ट में कट हो जाएंगे, लेकिन प्लेन से जो आगे है वो सी है, प्लेन के पीछे डी है, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो तो प्लेन उसमें प्रेजेंट नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आज रॉन्ग होगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाता, तो इसकी जो स्टेटमेंट करेक्ट हुई वो सिर्फ हुई बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।